नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। यूपी ट्रिपल एससी पीट एग्जाम को लेकर दोस्तों, यहां पर जो पीईटी का एग्जाम है, इसको ट्रेनों को संचालन को लेकर दोस्तों बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हिंदुस्तान की तरफ से खबर छापी गई है, यूपी में ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था कराई जाएगी। चलिए पूरे नीचे खबर को पढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 यूपी में सरकार में ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में शामिल होने वाले युवाओं के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के सचिव अवनीश सक्सेना ने इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन निगम और रेलवे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है, ट्रेनों और बसों में जरूरी इंतजाम किए जाएं, जरूरत के आधार पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएं, ट्रेनों में व्यवस्था की जाए। बता दें कि पीटी एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस बार लिखित परीक्षा में रिकॉर्ड 37.34 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एग्जाम सेंटर को लेकर परीक्षार्थियों में काफी गुस्सा है। बच्चों, जिस तरीके से आप लोगों का एग्जाम दूर दराज के क्षेत्रों में गया है, बसों और यहां पर ट्रेनों की सुविधा कराई गई है, तो बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। तो ये बड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों के लिए खुशखबरी दे दूं। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।